शाम के 4:30 बज चुके हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। ब्रिटेन से आए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने देश पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। महज 48 घंटे के भीतर कई शहरों में 20 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। ये सिलसिला थमता हुआ नहीं दिख रहा है। सभी राज्यों में हेल्थ एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। ...2020 की विदाई की बेला है। नई उम्मीदों के साथ नए साल के स्वागत की तैयारी हो रही है। कोरोना से निजात वाली सुबह का इंतजार सभी को है, लेकिन अब इस जोश और जश्न में पड़ गया है खलल। बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जश्न के जोश की नहीं, अब होश की खास जरूरत है। जिस कोरोना ने 2020 को मटिया मेट कर डाला, वो 2021 पर भी ग्रहण लगा रहा है। नए साल में नया और बड़ा खतरा। जश्न में जोश नहीं, होश अब जरूरी। कोरोना का नया रूप नए साल की रंगत को खराब कर रहा है। भारत में इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। पहले दिन नए स्ट्रेन के 6 मामले सामने आए और दूसरे दिन सीधे 14 मामलों ने नींद उड़ा दी। 2 साल की एक बच्ची में भी नया कोरोना स्ट्रेन मिला। ब्रिटेन की सभी उड़ानें 7 जनवरी तक रद्द कर दी गई हैं। देश और दुनिया की रफ्तार थमा देने वाले कोरोना के वायरस ने अपना रूप बदला और 17 बदलावों के साथ नए स्ट्रेन के रूप में पहले ब्रिटेन में दस्तक दी और अब भारत में इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। तेज रफ्तार के साथ फैलने के लिए बदनाम इस स्ट्रेन ने भारत में महज 2 ही दिन में 20 का आंकड़ा छू लिया। 23 दिसंबर की रात तक जो 33,000 लोग ब्रिटेन से भारत आए, उनकी अलग से जांच हो रही है और इनमें से अब तक 20 लोगों में कोरोना का नया स्ट्रेन मिल चुका है। इनमें महज 2 साल की एक बच्ची भी शामिल है। सरकार ने खतरे को देखते हुए ब्रिटेन को जाने वाली और वहां से आने वाली सभी उड़ानों को 7 जनवरी तक के लिए रद्द कर दिया है। इसके बाद भी अगर उड़ानें शुरू हुई तो कड़ी निगरानी रखी जाएगी। देश की कई लैब में कोरोना के नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और पुणे शामिल हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन का सबसे हैरान करने वाला मामला मेरठ का है। माता पिता के साथ लंदन से लौटी 2 साल की बच्ची नए स्ट्रेन से पीड़ित मिली। हालांकि पेरेंट्स में पुराना कोरोना वायरस ही मिला है। जिस टीपी नगर इलाके में ये परिवार रहता है, उसको सील कर दिया गया है। मेरठ में लंदन से आए सभी 90 लोगों की जाँच चल रही है। जो पॉजिटिव हुए थे उनमें से यूके का जो स्ट्रेन है, नया स्ट्रेन है, वो पाया गया है और सारे लोग पहले से हॉस्पिटल में भर्ती है, वो बिल्कुल स्वस्थ है, स्टेबल है और उनके जो कॉन्टैक्ट्स है उनको भी ट्रेस करके हम लोगों ने टेस्ट कर दिए हैं। सारे लोग बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल स्थिति नियंत्रण में है। कोरोना के नए स्ट्रेन के मामलों के बाद सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। नई गाइडलाइंस के हिसाब से काम हो रहा है। राज्यों को भी गाइडलाइंस भेजी गई है। इसमें कहा गया है कि 25 नवंबर से लेकर आज तक ब्रिटेन से भारत आए हर व्यक्ति की जांच हो। इन लोगों को आइसोलेशन में रहना होगा। इनको 14 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री भी देनी होगी। ये काम राज्य सरकार को करना होगा। कोरोना पॉजिटिव मिले तो नए वेरिएंट की जांच होगी। नए वेरिएंट की जांच के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं। 25 नवंबर से अब तक ब्रिटेन से भारत आए लोगों की जानकारी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन संबंधित राज्य सरकारों को देगा। कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले हालांकि बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये घातक नहीं है, लिहाजा जान जाने का खतरा नहीं है। लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है क्योंकि नया स्ट्रेन तेजी से फैलता है। कि जैसे कि पहले से कोरोना की महामारी जैसे शुरू हुई थी, तब से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया था कि सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी तो यही रहेगी कि जितने ज्यादा लोगों को हम लोग टेस्ट कर पाए और उनका कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर पाए, और ये दोनों स्ट्रेटेजीज भारत में काफी अच्छी तरह से इंप्लीमेंट हो चुकी है और इसलिए नए स्ट्रेन के लिए कोई नई स्ट्रेटेजी करनी होगी इसकी मुझे कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती है। सिर्फ ख्याल ये करना होगा कि हमें थोड़ा और सतर्क रहना होगा कि नया स्ट्रेन जिन लोगों को हुआ है उनको स्ट्रिक्टली क्वारंटाइन में रखे, उनके जो कॉन्टेक्ट है उनको भी क्वारंटाइन करे, इतना ही ख्याल रखना होगा। हालांकि कोरोना का यह नया म्यूटेंट घातक नहीं है, लेकिन ये 3 गुना ज्यादा रफ्तार से फैलता है।
इसीलिए बेहतर ये है कि नए साल के नए खतरे का सामना पूरी समझदारी के साथ किया जाए और मास्क और दो गज की दूरी के नियम से अभी नाता जोड़े रखा जाए। मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। नए कोरोना को लेकर सबसे ज्यादा दहशत यूपी में है। यहाँ सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो ब्रिटेन से हाल में आए, लेकिन अब उनको अतापता उनका नहीं चल रहा है। इन सभी लोगों की जांच होनी है। कुछ दूसरे राज्यों में भी ब्रिटेन से आए लोगों की जांच की जा रही है और उनकी निगरानी की जा रही है। देखिए, कोरोना के नए रूप ने सावधानी के साथ संभलते देश में इस संक्रामक बीमारी को लेकर एक बार फिर से फिक्र बढ़ा दी है। दिल्ली से लेकर देश के तमाम राज्यों में एहतियात का स्तर बढ़ाना पड़ा है। कई शहरों में कोरोना के नए स्ट्रेन से पीड़ित लोग भी मिल रहे हैं। पहले ये देख लीजिए किन किन शहरों में अब तक कोरोना के नए स्ट्रेन के मरीज मिल चुके हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि खतरा कितना बढ़ चुका है। यूपी के मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और बरेली में नया स्ट्रेन दस्तक दे चुका है। कर्नाटक के बेंगलुरु और शिमोगा में मरीज मिल चुके हैं। कोलकाता में भी एक केस नए स्ट्रेन का मिला है। इसके अलावा हैदराबाद में भी इसकी एंट्री हो चुकी है। दिल्ली के दो लोग यूपी में भर्ती हैं, जिनको ब्रिटेन वाला कोरोना है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। यहाँ 10 लोग कोरोना के नए स्ट्रेन से पीड़ित हो चुके हैं। सभी जिलों को अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में बड़ा खतरा है और इसकी वजह भी समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में 10 मरीज मिल चुके हैं। ब्रिटेन से यूपी आए 565 लोग नहीं मिल रहे हैं। इनके फोन बंद हैं, इनकी जांच की जानी है। सभी जिलों को अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य महानिदेशक हालात पर नजर रख रहे हैं। जिस मेरठ में 2 साल की बच्ची को नया कोरोना मिला था, वहाँ का स्वास्थ्य महकमा नए स्ट्रेन को लेकर सतर्क है। इस बच्ची के परिवार के साथ साथ तमाम उन लोगों को निगरानी में रखा गया है जो हाल के दिनों में ब्रिटेन से लौटे हैं। सबसे संपर्क कर लिया गया है। जितने भी लोग आए हैं हमारे पास, जो क्वारंटाइन में भी हैं और जिनके सैंपल लिए गए हैं, हम सबके साथ संपर्क में हैं। किसी भी व्यक्ति के अंदर अभी तक किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं है। सब लोग सिम्टम फ्री हैं। जहाँ तक कि जो बच्ची 2 साल की है, वो डॉक्टरों की देखरेख में है, उनकी निगरानी में है और उसका भी कोई सिम्टम नहीं है। बिहार में भी सतर्कता बरती जा रही है। अकेले मुजफ्फरपुर में 13 लोग हाल में ब्रिटेन से लौटे हैं। पटना हेडक्वार्टर से सूचना मिलने के बाद सबकी कोरोना की जांच कराई जा रही है। इसके लिए बाकायदा मोबाइल टीमें इनके घर भेजी जा रही हैं, ताकि किसी को नया कोरोना हो तो उसके फैलने की आशंका ना रहे। हम लोग एक टीम भेज के टेलीफोन से उन्हें कुछ सूचना दे दिए हैं। उन लोगों का टेस्ट करवा रहे हैं, कल ही करवा रहे हैं। यहाँ तक कि जिस घर से वो केस है, जो लोग आए हैं, उनका ही नहीं, उस पूरे घर का भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। मैदान से लेकर पहाड़ों तक कोरोना के नए म्यूटेंट ने चिंता बढ़ा दी है। उत्तराखंड में ब्रिटेन से आए 5 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। अब इनके सैंपल पुणे की लैब में भेजे गए हैं, ये पता करने के लिए कि कहीं ये कोरोना के नए स्ट्रेन से पीड़ित तो नहीं है। 227 लोग आए हैं, उनको चिन्हित कर दिया गया है IDSP की टीम के द्वारा और 13 के 13 जनपदों में भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है भाई ने, और उन जनपदों के द्वारा भी उनको ट्रेस आउट कर लिया गया है और वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हमारे सुपरविजन में हैं और हमारी नॉलेज में हैं। कोरोना की 3 लहर झेल चुकी दिल्ली अब कोरोना से उबर रही है। केस कम होने से सरकार का भरोसा बढ़ा है। CM कह रहे हैं नए स्ट्रेन से भी निबट लेंगे। इंटेंस लहर थी जब केसेस 8,500 केसेस पर डे तक पहुंच गए थे, जो कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा था, लेकिन उसके ऊपर भी हम लोगों ने काबू पाया। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलकर काबू पाया। आगे भी हम लोग किसी भी परिस्थिति के लिए हम लोग तैयार हैं। जिस तरह से राज्यों में कोरोना के स्ट्रेन के मामले सामने आ रहे हैं, उससे साफ है कि अब लोगों को कोरोना की गाइडलाइंस का खुद सख्ती से पालन करना होगा। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव, मेरठ से उस्मान चौधरी, देहरादून से दिलीप सिंह और मुजफ्फरपुर से मणिभूषण के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच वैक्सीनेशन की भी पूरी तैयारी की जा रही है। दिल्ली ने भी कमर कस ली है। यहाँ लगातार ड्राई रन चल रहा है एक वैक्सीनेशन सेंटर से। हमारे संवाददाता पंकज जैन की यह रिपोर्ट देखिए।
कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम साउथ दिल्ली के एक वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हैं और यहां पे तमाम तैयारियां की गई हैं। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहां पर उद्घाटन कर दिया गया है और जो इलाके के नेता हैं वो यहाँ पर पूरी तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए भी पहुँचे हुए हैं। लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर में जब आप पहुँचेंगे तो किस तरह से वैक्सीन लगवा सकते हैं, कितना सुविधाजनक ये होगा, सबसे पहले आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि ये जो वैक्सीनेशन सेंटर है यहाँ पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँच सकते हैं। हालांकि एक लिस्ट होगी, लिस्ट के मुताबिक सभी को समय दिया जाएगा और यहाँ पहुँचने के दौरान आपको एक फ़ोटो आईडी जिसमें आपके घर का पता हो, आपको मास्क पहनना ज़रूरी है, साथ ही साथ आपको अंदर जाने से पहले अपने आप को सैनिटाइज करना होगा और सैनिटाइज करने के लिए आपको यहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था भी दी गई। जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की ये प्रक्रिया शुरू हो, इसी उम्मीद के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। आगे दंगल श्वेता सिंह के साथ जरूर देखिएगा, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।